एवरीवन, दिस इज अंजलि हियर। लास्ट क्लास में हमने असाइनमेंट 2.10 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम जितने भी बचे हुए क्वेश्चन थे वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका 3/8 को आपको द प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल एंड द लॉन्ग डिवीजन मेथड, आपको यहाँ पे इन दोनों मेथड का यूज करते हुए इस नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे इन दोनों मेथड का यूज करके हम नंबर्स को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ 5/8 एंड अब इसे मैं सबसे पहले प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल से डेसिमल में चेंज करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको चेक करना है आपका डिनोमिनेटर क्या है एंड उस डिनोमिनेटर में हम ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमें ये 10, 100, 1000 इन सब नंबर में से हमें कुछ एक नंबर मिल जाए। तो जब हम 8 में 125 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें मिलता है 1000। 8 में जब आप 125 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1000। एंड आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर का ही मल्टीप्लाई करना है एंड 125 पाई जाइए 625। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको देखना है कि आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की नंबर ऑफ डिजिट सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं है तो आपको नंबर के पहले एक जीरो लगा देना है। जैसे आपके तीन डिजिट के पहले एक जीरो हमने लगा लिया तो हमारे नंबर ऑफ डिजिट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम हो गई। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपका न्यूमरेटर है उसे एज इट इज़ लिख दीजिए। देन आप जीरो देखिए आपके डिनोमिनेटर में कितने जीरो थे, यहाँ पे थे हमारे पास 3 जीरो। आपको अपने आपके आंसर में आपको पीछे से 3 डिजिट काउंट करते हुए 3 डिजिट के आगे एक डेसिमल लगा देना है। तो ये देखिए आपका जो नंबर है वो डेसिमल में चेंज हो गया। चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर हमारा 5 था एंड डिनोमिनेटर था 8। इस कंडीशन में आपका जो आपका 5 है वो 8 से छोटा है तो डिवाइड तो होगा नहीं, हम क्या लगाएंगे, डेसिमल। डेसिमल लगाने से हमारा एक जीरो इंक्रीज हो जाता है। देन 8 6 48, इसे हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके चेक करेंगे कि हमारा डेसिमल कितना आ रहा है। देन कितना बचा, 2, अगेन 0, 8 2 16, देन माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद क्या मिलेगा हमें, इसके बाद 4 एंड 0 एंड 8 5 40। ये देखिए आपका कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। ये आपके पास आंसर में आपको क्या मिला, 0.625। और यहाँ पे भी हमें इस मेथड से प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल मेथड से भी 625 मिला था एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हमें 0.625 मिला। ओके, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेना है डेसिमल फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली एज डिफिनाइट डेसिमल्स, इनमें से कौन सा ऐसा डेसिमल है जो डिफिनाइट डेसिमल्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसे आपको जैसे हमने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे बिल्कुल उसी तरह करना है। आपको डिनोमिनेटर का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद आपको उसे चेक करना है कि क्या प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास फैक्टर 2 एंड 5 आ रहा है या ओनली 2 आ रहा है या ओनली 5 आ रहा है। ओके, अगर ये 3 कंडीशन आपके पास फुलफिल होती हैं तो वो हमारा जो नंबर है वो डिफिनाइट डेसिमल्स होगा। अगर इनके अलावा कोई भी अदर फैक्टर हमें मिल रहा है तो वो नंबर डिफिनाइट डेसिमल्स में कन्वर्ट नहीं होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 बता रही हूँ मैं आपको, 8/32। हम क्या करेंगे, 32 के फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालने के लिए इसे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 16 2 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। आप देख सकते हो कि आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको ओनली 2 मिला, सारी जगह डिजिट्स क्या है, 2 2। तो ये आपका जो नंबर है ये डिफिनाइट डेसिमल्स होगा। अगर आप, मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं, या तो ओनली 2 मिले या आपको ओनली 5 मिले या 2 एंड 5 का कॉम्बिनेशन मिले, या आपके पास कितने भी 2 और कितने भी 5 हो सकते हैं, आपके पास 5 2 मिले आपको या 1 2 मिले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास बस ये 3 कंडीशन होनी चाहिए, केवल उस फैक्टराइजेशन में केवल 2 आए, तो केवल 5 आए, या 2 और 5 का आपको कॉम्बिनेशन मिले। इसके अलावा आपको कोई भी कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो वो डिफिनाइट डेसिमल या टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड इस एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको उसे चेक करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा 2/5
प्लस 1/2। सबसे पहले जैसे हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, 5 और 2 का एलसीएम होता है 10, एंड आपको फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 एंड 5 4 10, 5 4 9, 9/10, एंड हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया 10। अब अगर हम 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो हमारे पास कितना आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, हमारे पास 2 और 5 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। ये 2 और 5 आपका मैंने अभी बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल वही होते हैं जिनके प्राइम फैक्ट जिनके डिनोमिनेटर में अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमें 2 और 5 मिले, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। एंड अगर नहीं डिवाइड ये 2 और 5 को कॉम्बिनेशन नहीं आता तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। बिल्कुल आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्वेश्चन की तरह ही इसे सॉल्व करना है, लेकिन उसके पहले आपको इस फ्रैक्शन को जैसे आप फ्रैक्शन का एडिशन करते थे बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज रेशनल नंबर। आपको इस रेशनल इस फ्रैक्शन को इस डेसिमल को रेशनल नंबर चेंज करना है। चलिए मैं आपको लास्ट वाला क्वेश्चन बताती हूँ। लास्ट वाला क्वेश्चन है 2.0002। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। डेसिमल के बाद हमारे पास 4 डिजिट है। आपको उस नंबर को 1 के बाद 4 जीरो से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 के बाद 4 जीरो, उनके न्यूमरेटर में कुछ नहीं था तो हमने 1 लिख लिया, एंड आपके पास डेसिमल के बाद 4 डिजिट थी तो हम 1 के बाद 4 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा करने से हमारा जो डेसिमल है वो बैलेंस हो जाता है, आपका डेसिमल हट जाएगा, इसीलिए हम इस 4 जीरो से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बस मल्टीप्लाई करिए, आपका जो नंबर है उसका डेसिमल हट जाएगा। कैसे हटेगा? जब हम किसी नंबर को 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसे मल्टीप्लाई ना करते हुए कितने जीरो हैं वो अप्लाई कर लेते थे। यहाँ पर बस 4 जीरो थे तो हमने 4 जीरो लिख लिए, देन 1 × 10,000, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 10,000। ओके, अब आप देखो कि यहाँ पर 4 डिजिट के पहले डेसिमल लगा था, तो बस पीछे से 4 डिजिट्स काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, एंड ये आ गया आपका डेसिमल। देखिए बैलेंस हो गया था, बस मैंने आपको इस चेक करने के लिए बताया कि कैसे ये बैलेंस हो रहा है। तो बस जब भी आप इस ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट्स नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर डिजिट काउंट करके डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं, तो 1 के बाद उतने ही जीरो से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका जो डेसिमल है वो बैलेंस हो जाएगा, आपका नॉर्मल नंबर आपको मिल जाएगा। तो कितना मिला हमें, 20,000 2 by 10,000। अब आप इसे क्या करेंगे, रिड्यूस्ड करेंगे। रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, हम आप देख सकते हो ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, आपके वंस प्लेस में 2 है एंड यहाँ पे 0 है, तो जब भी किसी नंबर के वंस प्लेस में 0 2 4 6 8 आता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। चलिए इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 2 0 0 0 एंड 2 1 2। इधर अगर हम इसे डिवाइड करें तो 2 5 10 एंड 3 0। देखिए अब आपके पास यहाँ पे तो 0 है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो ये दोनों डिवाइड अप नहीं होंगे, तो आपके पास कितना मिला आपको, 10,001 by 5,000। अब ये नंबर किसी से भी नहीं कटने वाला क्योंकि ये लास्ट में 1 है एंड 1 + 1 2। इस तरह अगर हम इसे चेक करके देखें बाय डिविजुअलिटी रूल्स, तो आप एक दो बार डिविजुअलिटी रूल्स से चेक करिएगा और चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन अब किसी से डिवाइड नहीं होने वाला। तो आपको क्या करना है, पहले आपको इसे रेशनल नंबर में चेंज करना है, रेशनल नंबर में चेंज करने के बाद इसे रिड्यूस कर देना है। आई होप कि ये असाइनमेंट 2.10 आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ।